हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अतीश कुमार पांडे। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस पर हम सबसे पहले फोकस करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इन्होंने क्या किया था, ए इक्वल्स टू बोला था बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू कहा बी क्यू प्लस आर, इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए। और इन्होंने कंडीशन रखा, कंडीशन क्या रखा, यहाँ पे इन्होंने कंडीशन रखा कि हमेशा जो b से क्या होगा, b इज ग्रेटर देन r और a इज ग्रेटर देन b। दो कंडीशन इन्होंने रखा कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और b इज ग्रेटर देन r और a इज ग्रेटर देन b। इस दोनों पॉइंट पर इन्होंने काम किया, तो उसको देखते हैं कैसे इन लोगों ने काम किया, उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज, आप लोगों को डिवाइड करना तो सबसे पहले आपको आता है, तो ऑलरेडी हम वैसे ही कुछ आपको समझाने वाले हैं कि कैसे होता है। तो सपोज दैट कंडीशन नंबर ये है, मान लीजिए एक मेरा ये है क्वेश्चन और यहाँ पे आप देखे होंगे तो बी से मैं डिवाइड करता हूँ तो ये और आर, मान लीजिए आर आपका रिमाइंडर आ रहा, बी आपका क्या है डिवाइडर है, मतलब जिसे डिवाइड किया जाता है, क्यू आपका है क्वेश्चन। तो हम लोग पहले से डिवीजन का रूल पढ़े हैं कि क्या होता है, ए इक्वल्स टू क्या लिखते थे बी क्यू और प्लस जो रिमाइंडर होता था उसमें ऐड करते थे। इस टाइप का कुछ पहले हमारे साथ होता था। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि हमारा यहाँ पे जैसे इस तरीके से होता है, जैसे मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ 17 को, तो कितनी 2 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 और 1 रिमाइंडर। अब हमें ए की जगह क्या होता है 17 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 8 × 2 प्लस, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्म को इन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस लिए यूज होता है, इन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेमा इन्होंने बनाया, ये यूज होता है आपका एलसीएम निकालने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, अगर वो चीज नहीं जान पाओगे तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं सीख पाओगे, मतलब आसानी से नहीं सीख पाओगे, सीख तो जाओगे लेकिन बहुत आसानी से नहीं सीखने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पहले एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ, हम लोग के पास कोई भी चीज़ सॉल्व करने का, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते थे, एलसीएम निकालने के हमारे पास दो मेथड थे। एक मेथड था हमारा कि जिसको हम फैक्टर मेथड बोलते थे, जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करके, जैसे मान लीजिए हमारे एलसीएम निकालने का दो मेथड है, जैसे मान लीजिए 24 और 36 का मुझे एलसीएम निकालना, तो हम लोग क्या करते थे 24 का फैक्टर से निकाल देते 2 × 2 × 2 × 3, 36 को क्या लिखते थे 2 × 2 × 3 × 3 ऐसे लिख देते थे। और उसके बाद हम लोग देखते थे कौन सा कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है और ये कॉमन है और 2 × 2 × 2 × 3, इस तरीके से हमारा हो जाता था कॉमन। और कॉमन होने के बाद इसको हम लगा देते थे इससे, ये क्या हो जाता है इससे। अब दूसरा जो मेथड था हमारा कैसा था, दूसरा हमारा मेथड था जो कि एससीएफ कैसे फाइंड करें, तो दूसरा मेथड हमारा डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड था। तो हम लोग क्या करते थे, छोटे वाले में 24 और 36 दिया होता था, तो इसमें से दोनों में से चेक करते थे कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन नंबर बड़ा है और कौन नंबर आपका छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ देखते थे कि 36 जो है बड़ा है और 24 क्या हमारा छोटा है, तो यहाँ पे हम सीधी सी बात पहले 24 को 36 से डिवाइड करते थे, ये था कंडीशन। अब यहाँ पे 24 वन से ज्यादा था तो 1 दे जाएगा, 24 बचेगा और यहाँ पर क्या आएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 12। अब यहाँ पे 12 आएगा बचेगा तो ये वाला नंबर उठ के यहाँ तक पर चला आएगा और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता। यहाँ पे देखते हैं 12 टू जा कितना होता है 24 और यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जब 0 रिमाइंडर 0 होगा तो ये जिस नंबर से डिवाइड होगा वो आपका क्या होता था, तो आपको याद होगा। तो यहाँ पे आपने 24 को इससे डिवाइड किया और ये आपका एलसीएम 12 आता हुआ में दिखाई प्रतीत हो रहा है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले आपको ए के फॉर्म में क्या दिख रहा है, मैंने आपको ए के फॉर्म में दिखा था, तो ए के फॉर्म में आपको दिख रहा है 36, तो आप 36 ऐसे हो सकता है इक्वल लगाओ, आप लिखते हो 24 × 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 12 लिख सकते हैं। आपको बस इसी इसी पे फोकस करना है, ऐसे ऐसे जहां देखिए इस तरीके से, तो 36 को
24 इनटू 1 प्लस 12 लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन हमारा 24 को हम 12 इनटू 2 प्लस 0 लिख सकते हैं 12 इनटू 2 और रिमाइंडर आपका क्या है 0। तो इस तरीके से आपका 36 24 और यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो 0 आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर और यूक्लिड डिवीजन नियम के अकॉर्डिंग व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 तो बी आपका क्या होता है सी। दोस्तों इसको जरा हम ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से लिखते हैं। यहाँ पे आर इक्वल्स टू क्या है 0, क्यू आपका ये है, तो बी आपका क्या है, बी आपका है 12, तो बी आपका क्या हो जाएगा सी। दोस्तों कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये देखो ऐसे आपको इस तरीके से सीएसएफ निकाल लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है 36 को ऐसे फोकस कर लेगा। 36 इक्वल्स टू हमने क्या लगा 24 इनटू 1 प्लस रिमाइंडर जो आता 12। दूसरा 24 को मैंने क्या लिखा 12 इनटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। तो इन्होंने कहा जिस कंडीशन में r इक्वल्स टू 0 होगा उस समय में बी आपका क्या कहलाएगा यस। तो इस तरीके से आपको सॉल्व हो गया। दोस्तों ऐसे हम नेक्स्ट दो क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि कैसे ऐसे निकालते हैं, बने रहिएगा हमेशा। चलिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 28 एंड 56। अब यहां पे इसका मैं एससीएम निकालना है, तो इसका एससीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे 28 को 56 से डिवाइड कर देंगे, तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा। और कोई नंबर ले लेते हैं, से मैं मान लो ले रहा हूं 22 और आपका दूसरा नंबर मैं ले रहा हूं 30। अब इस दोनों में हम लोग देखते हैं, तो 22 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 1 या 22 को कितना बचा 8, फिर 22 यहाँ पे लिखा 16 हो गया 6 आया, और 6 से फिर मैंने 8 यहाँ पे आ गया 2 बचा और 6 से डिवाइड कर दिया 3 आया और 6। दोस्तों इस तरीके से हमारा कुछ हुआ, 22 से 30 को डिवाइड किया और 32 से यहाँ पे 8 आया, 8 से फिर इसको डिवाइड किया, इस तरीके से प्रोसेस मेरा चलता और लास्ट में मेरा 0 आ गया। अब दोस्तों इसको यूक्लिड डिवीजन नियम के साथ लिखते हैं, तो a इक्वल्स टू आपको ये मानना है, तो 30 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 22 इनटू 1 प्लस 8। दूसरा हम लिख सकते हैं 22 को 2 इनटू 8 प्लस 6 लिख सकते हैं, और तीसरा 8 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 6 इनटू 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, और यहां पे 6 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 3 इनटू 2 प्लस 2 इनटू 3 प्लस। अब दोस्तों इस तरीके से हमने लिख दिया, पहले 30 को उठाया, 30 को 22 1 प्लस ये लिख दिया, फिर 22 को उठाया, 22 को ये प्लस रिमाइंडर लिख दिया, 8 को मैंने उठाया 6 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर लिख दिया, और 6 इक्वल्स टू मैंने उठाया। अब यहाँ पे उसके बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, और कंडीशन क्या कहता है r इक्वल्स टू 0 तो b इक्वल्स टू sf। अगर r इक्वल्स टू 0 तो b इक्वल्स टू sf, तो यहाँ पे r आपका क्या है, r आपका यहाँ पे 0 है, और यहाँ पर इसी के नीचे लिख लो a इक्वल्स टू b टू प्लस r, r आपका क्या है 0, तो b आपका क्या है 2 क्या हो गया आपका sf, r इक्वल्स टू 0 तो b इक्वल्स टू sf। इस तरीके से दोस्तों पहले आपको ऐसे कर लेना, उसके बाद इस तरीके से इसको कर लेना, और यूक्लिड डिवीजन लेम सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो आज का वीडियो यूक्लिड डिवीजन लीमा पे रहा, अगला कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे जो क्लास 10 से रिलेटेड होगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे आपको नोटिफिकेशन जल्द से मिलती रहेगी। और बोलो जय महाकाल।